हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे शिबा इनू कॉइन से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन की बर्निंग की भी, उसके साथ ही जो मेटावर्स इवेंट चल रहा है उससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट्स हैं, और रॉबिनहुड लिस्टिंग के बाद शिबा के प्राइस पर कितना क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और आने वाले टाइम में क्या कुछ इकोसिस्टम में यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें शिबा इनू की, लास्ट वीक में शिबा रॉबिनहुड पर लिस्ट हुआ, इस वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ा, शिबा का प्राइस भी बढ़ा और 2 महीने के हाईएस्ट प्राइस पर शिबा इनू कॉइन पहुंच चुका था। लेकिन वहां से फिर से जो प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे आया, और अभी अगर आप देखें शिबा फिर से साइडवेज में चलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब 0.0020 यहां पर इसका जो प्राइस है अभी आपको अराउंड देखने को मिलेगा 1920 के 22 तक ये गया था, लेकिन वहां से फिर से इसे रिजेक्शन मिला। मेटावर्स की अगर हम बात करें, बिड इवेंट यहां पर खत्म हो चुका है, इसके अलावा जो नेक्स्ट इवेंट है होल्डर्स इवेंट वो यहां पर शुरू हो चुका है, और वहां पर जो लीश और शिबोजिश को लॉक किए हुए होल्डर्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने यहां पर इसे लॉक किया था। और अब अगर आप देखें क्या चेंजेस है, तो यहां पर जो प्लॉट्स होंगे वो अब फिक्स्ड प्राइस पर अवेलेबल होंगे, मतलब पहले जो इवेंट हुआ था उसमें यहां पर बिड इवेंट हुआ था, जिसने हाईएस्ट बिड लगाई उसे ये प्लॉट मिले, लेकिन अब यहां पर जो इवेंट हो रहा है उसमें जो प्राइस है वो फिक्स्ड है, जो भी लैंड्स यहां पर सेल किए जा रहे हैं उनके। इसके अलावा अगर आप देखें यहां पर ETH का अभी यूज किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी अपडेट यहां पर इनकी टीम के द्वारा प्रोवाइड की गई है कि अभी आप ETH का यूज जरूर कर रहे हैं, लेकिन शिबा की यूटिलिटी को भी यहां पर बढ़ाया जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग न्यू यूटिलिटी फॉर शिब इन द शिब मेटावर्स, जहां पर मेटावर्स जो शिबर्स के नाम से लॉन्च हुआ था शुरुआत में, उसमें शिबा का यूज भी होने वाला है। शिब विल बी यूज टू एड पिक्चर्स लोगोस टू द लैंड प्लॉट्स। अब क्या यूज हो सकता है, मतलब शिबा को अब यहां पर आप पिक्चर्स एड करने के लिए, लोगो एड करने के लिए अपने लैंड प्लॉट्स पे यूज कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू चेंज द पिक्चर्स एज मेनी टाइम्स as you want, this feature also will burn sheep each time you do so। जहां पर आप जब भी चेंज करेंगे पिक्चर्स को अपने प्लॉट्स पर जो Shiba Inu के होंगे, तो वहां पर इस फीचर के थ्रू Shiba Inu coin को burn भी किया जाएगा each time। ये काफी बड़ी अपडेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे Shiba Inu coin के जो supply है, circulating supply है, वो भी reduce होगा, और हर कोई यहां पर चाहता है community का member कि Shiba Inu coin को burn किया जाए, वो burning भी यहां पर होते हुए नजर आएगी। Sheep will be used to name or rename your land plot। इसके अलावा sheep का use यहां पर name या rename करने के लिए आपके land plots को भी use किया जाएगा, और उसके थ्रू भी शिबा इनू कॉइन ईच टाइम यहां पर बर्न होंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें, शिब बर्न्स एंड रिनेमिंग विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द पब्लिक सेल स्टेज एंड आफ्टर बोथ बीड एंड होल्डर्स इवेंट स्टेज हैव एंडेड। जहां पर अगर हम शिब बर्न की बात करें और रिनेम की बात करें, जो प्लॉट्स को यहां पर खरीदा जाएगा उनकी रिनेमिंग कब होगी, तो यहां पर जब बीड इवेंट और होल्डर्स इवेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो पब्लिक सेल स्टेज होगा वहां पर आप देखेंगे शिबा इनू कॉइन को बर्न होते हुए, मतलब उस टाइम यहां पर जो बर्निंग है वो होगी। वी विल नोटिफाई द कम्युनिटी व्हेन द फीचर इज अवेलेबल। और यहां पर इन्होंने, इनकी टीम ने ये कहा हुआ है कि जैसे ही ये फीचर यहां पर अवेलेबल होगा, हम यहां पर कम्युनिटी को नोटिफाई कर देंगे। तो इससे ये क्लियर हो चुका है कि शिबा इनू की यूटिलिटी यहां पर मेटावर्स में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से अभी ETH का यूज हो रहा है, आने वाले टाइम में यहां पर शिबा का यूज भी होता हुआ नजर आएगा। अगली अपडेट अगर हम बात करें, लास्ट 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 21 मिलियन शिबा इनू टोकन को बर्न किया गया, डेट वॉलेट में ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 7 डेज की 84 ट्रांजेक्शन के थ्रू एक काफी बड़ी क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन से ज्यादा शिबा इनू टोकन को यहां पर बर्न किया है। मतलब बर्निंग अगर आप देखें लगातार जारी है, 1000 मिलियन से ज्यादा शिबा इनू टोकन लास्ट 7 डेज में बर्न हुए हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें पर डे यहां पर 100 से 200 मिलियन शिबा इनू कॉइन को लगातार बर्न किया जा रहा है, जो एक काफी अच्छा साइन है, कहीं ना कहीं इसके सप्लाई को लगातार रिड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर अगली अपडेट की, आप यहां पर देख सकते हैं जो वीकली चार्ट है वो आ चुका है एशिया का टॉप 10 कॉइन्स की जो लिस्ट है ट्रेंडिंग कॉइन्स की, उनमें शिबा इनू फिर से आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि लास्ट वीक अगर हम देखें 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में, जहां पर शिबा इनू से जुड़ी काफी कुछ बड़ी अपडेट्स इकोसिस्टम में हुई, जहां पर रॉबिनहुड पर लिस्ट हुआ, मेटावर्स का इवेंट जो शुरू हुआ, उस वजह से शिबा फिर से यहां पर सोशल मीडिया पर डोमिनेंस करता हुआ नजर आ रहा है। फिर से यहां पर ट्रेंडिंग में नंबर 4 पर शिबा इनू कॉइन आपको एशिया में देखने को मिलेगा। अगर हम मार्केट कैप की बात करें, $14 बिलियन के मार्केट कैप के साथ यहां पर ये बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएसए के टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन्स की, तो इस लिस्ट में भी आप देख सकते हैं नंबर 6 पर शिबा इनू कॉइन बना हुआ है, नंबर 1 पर BTC है। मतलब एशिया में भी, इसके अलावा यूएसए में भी शिबा इनू टॉप पर आ चुका है। कनाडा की अगर हम बात करें, यहां पर भी आप देख सकते हैं नंबर 8 पर शिबा इनू कॉइन है $14 बिलियन के मार्केट कैप के साथ।
साथ। मतलब कहीं ना कहीं जैसे ही यहाँ पर कोई बड़ी मूवमेंट शिबा के प्राइस में भी देखने को मिली, शिबा के इकोसिस्टम में बड़ी मूवमेंट देखने को मिली, फिर से शिबा ट्रेंडिंग में आ चुका। लगातार अगर आप देखें लास्ट 7 मंथ से शिबा यहाँ पर ट्रेंडिंग में बना हुआ है। टॉप 30 ट्रेंडिंग कॉइन्स की जो लिस्ट है उसमें नंबर 5 पर $14 बिलियन के मार्केट कैप के साथ शिबा इनू कॉइन बना हुआ है। मतलब यहाँ पर काफी सारी कंट्रीज है जहां पर शिबा को सर्च किया जा रहा है होल्डर्स के द्वारा, काफी सारे कस्टमर्स है जो शिबा इनू कॉइन में फिर से यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप होल्डर्स की संख्या देख सकते हैं, जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा जहां पर पहले जो होल्डर्स है वो गिरते हुए नजर आ रहे थे, काफी कम होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर से यहाँ पर जो होल्डर्स की संख्या है वो ग्रो करते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें 11 अप्रैल की, 11,28,445 होल्डर्स थे, लेकिन अभी की अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 11,31,484 होल्डर्स यहाँ पर 6 दिन में। मतलब होल्डर्स की संख्या आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार बढ़ी है। मतलब फिर से होल्डर्स यहाँ पर ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफ आप देख सकते हैं कम हो रहे थे लेकिन फिर से बढ़ रहे हैं। लास्ट 24 आवर्स में 0.004% यहाँ पर होल्डर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। अभी अगर आप देखें करेंट होल्डर्स यहाँ पर 11,41,484 हो चुके हैं। तो ये अच्छा साइन है कि होल्डर्स फिर से यहाँ पर शिबा में जुड़ रहे हैं, क्योंकि रॉबिनहुड पर लिस्ट हुआ है और रॉबिनहुड पर काफी सारे कस्टमर्स है जो शिबा इनू कॉइन में अभी भी ट्रेडिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें शिबा के प्राइस की, शिबा ट्रेड कर रहा है INR में 0.0019 पर, 24 आवर्स में 0.46% डाउन में आया हुआ है और मार्केट कैप के बेसिस पर नंबर 15 पर अभी रैंक कर रहा है। वॉच लिस्ट अगर आप देखें अब बढ़ते हुए 1.7 मिलियन के पार हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर प्राइस की बात करें, लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहा है 1920 को ब्रेक करने की। आप देख सकते हैं यहाँ से जो रिजेक्शन मिला फिर से नीचे आया, फिर से कोशिश कर रहा है, तो कोशिश यहाँ पर कर रहा है। जो रेजिस्टेंस है काफी इंपॉर्टेंट, उसे कहीं ना कहीं ये ब्रेक कर पाए। ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 25% अभी डाउन में चल रहा है। इसके अलावा ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई से अभी भी यहां पर ये 70% कम चल रहा है। और उम्मीद है कि यहां पर BTC अगर ऊपर जाएगा, क्योंकि BTC यहां पर वीकेंड का समय है, वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो BTC भी लगातार 39 और 41 के बीच में घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो शिबा भी यहां पर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। अब हम आपको मिलते किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।